स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर फाउंड इन द फीमेल, यानी फीमेल के अंदर एनीमिया होना एक बहुत आम बात है। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि एनीमिया क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया डेवलप क्यों होता है, इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब ये किस तरीके से आप पेशेंट के अंदर इसके आपको लक्षण दिखेंगे, साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पे भी मैं आपसे बात करूंगा। ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों ही ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया के बारे में आपको जानना है कि अगर किसी भी फीमेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू, यानी HV की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लेस देन 11 ग्राम पर डेसी लीटर, यानी 11 ग्राम पर डेसी लीटर से अगर कम किसी फीमेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज द एनीमिक, यानी आप कहेंगे कि इस फीमेल्स को एनीमिया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनीमिया के लिए जो पैरामीटर्स हैं मेल और फीमेल के वो डिफरेंट हैं, यानी मेल में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द फीमेल। तो फीमेल में अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू लेस देन 11 ग्राम पर डेसी लीटर होती है तो दैट इज कंसीडर्ड एज द एनीमिक कंडीशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनीमिया की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिक्रीजमेंट इन द नंबर ऑफ RBC, यानी अगर हमारे ब्लड में RBC का नंबर घटता है तो वो कंडीशन आपकी एनीमिया कहलाती है। क्योंकि आप जानते हैं RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो इनडायरेक्टली वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज अ डिक्रीजमेंट इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत या अन्य जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर 40 से लेकर के 90% जो केसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो एनीमिया के होते हैं। ये डेटा आपको हैरान कर देगा कि 40 से लेकर के 90% जो फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो एनीमिक होती हैं। या तो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया डेवलप होता है या प्रेगनेंसी से पहले वो एनीमिक होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत या अन्य जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में एनीमिया डेवलप होने के कारण क्या हैं, इस विषय को भी आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर एंडेमिक मलेरिया, यानी मलेरिया अक्सर लोगों में होता रहता है, और साथ ही साथ में हुक वॉर्म का इन्फेस्टेशन। तो आपको याद रखना है कि इतने ज्यादा केसेस होने के पीछे रीजन क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन है आपका एंडेमिक मलेरिया, यानी मलेरिया के केसेस अपने यहाँ पे या जितने भी अन्य डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, और साथ ही साथ में वॉर्म इन्फेस्टेशन, यानी आप देखते हैं हुक वॉर्म वगैरह, इनका इन्फेस्टेशन होने की वजह से, हुक वॉर्म वगैरह होने की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है, तो इसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। नेक्स्ट इसका कारण है फॉलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी होना, यानी आयरन और फोलिक एसिड, हमारी अगर डाइट के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की कमी होगी तो उसकी वजह से भी एनीमिया डेवलप होगा। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हमारा दूसरा जो कारण है दैट इज अवर इकोनॉमी, यानी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट कारण हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी हमें जानकारी नहीं है कि एनीमिया को किस तरीके से मैनेज किया जाए। और साथ ही साथ में आपको जानने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट मिनरल्स की, डिफरेंट आयंस की, आयरन की, ये इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि प्रेगनेंसी शुड बी बाई चॉइस, नॉट शुड बी बाई चांस, यानी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये आपके अनुसार होनी चाहिए, ये बाई चांस नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ज्यादातर जो प्रेगनेंसी होती हैं दे बाई चांस, यानी वहाँ चॉइस नहीं होती है। ऑल दोज द पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, लोगों को अवेयरनेस हो रही है और प्रेगनेंसी को वो प्लान कर रहे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बताऊं तो प्रेगनेंसी के दौरान जो एनीमिया डेवलप होता है, ध्यान देंगे कि एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल एनीमिया, यस, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो एनीमिया डेवलप होता है, ध्यान देंगे वो पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। कैसे है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल किस तरीके से है, तो आपको जानना है कि जब भी किसी
फीमेल की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड 32 से लेकर के 34 वीक का होता है, यानी अगर जो प्रेगनेंसी है वो 32 से 34 वीक के आसपास होती है, तो उस दौरान हमारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसका एक्सपेंड होता है, यानी ब्लड प्लाज्मा की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज होता है, यानी जो ब्लड प्लाज्मा है वो लगभग 40% इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ में आरबीसी मात्र 20% इंक्रीज होती है। आरबीसी का जो इंक्रीजमेंट है वो 20% होता है, इसीलिए हमारे ब्लड में हीमोडाइल्यूशन यानी खून पतला हो जाता है इनडायरेक्टली गए, और इस वजह से एनीमिया डेवलप होता है, क्योंकि आयरन की जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो ज़्यादा होती है, और आरबीसी का नंबर कम बनना है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 में ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है हीमोडायलेशन की वजह से ऐसा होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले हम आयरन का सप्लीमेंट देते हैं फीमेल्स को, यानी जो भी फीमेल्स कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं उनके शरीर में आयरन की एक एडिक्वेट मात्रा ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उनको आयरन और फोलिक एसिड की प्रोफाइलेक्टिकली कुछ डोज लेनी चाहिए बाय कंसल्टिंग विद द गायनेकोलॉजिस्ट, यानी अपने डॉक्टर से मिलकर के उनको आयरन, अपना हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कराना चाहिए, उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में प्लान करना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, ये मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि क्लिनिकली इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैं आपसे बात करूंगा, तो इसका क्लिनिकल फीचर्स में आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है जो आपको देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि बॉडी में पैलर देखने को मिलेगा। पैलर का मतलब आप देखते हैं, आम भाषा में बोला जाता है कि शरीर पीला पड़ गया है। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होगी तो शरीर में पीलापन दिखाई देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनीमिया के पेशेंट में लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, यानी जो फीमेल्स होगी वो आपसे शिकायत करेगी कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स दैट विल बी टोल्ड बाय द फीमेल्स, यानी फीमेल ये बताएगी। नेक्स्ट आपका, आपको याद रखना है डिसेपनिया डेवलप होगा। डिसेपनिया का मतलब है सांस लेने में उसको तकलीफ होगी ऑन एक्जर्शनल एक्टिविटीज, अगर कोई भी महिला कुछ काम करती है तो उस केस में आपको शिकायत करेगी कि डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उनको थकान होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये एक जो का है सिम्टम्स पेशेंट के द्वारा आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इरेगुलर बॉल, यानी कभी कभी उसको डायरिया देखने को मिलेगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो इरेगुलर बॉवल की हिस्ट्री मिलेगी कि उसका पेट साफ नहीं होता है, कभी दस्त हो जाते हैं, इस तरीके के लक्षण मिलेंगे। साथ ही साथ में लैग क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं, यानी पेशेंट आपसे कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब उसके पैरों में दर्द होता है, जो आपकी काफ मसल्स होती है उसमें क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ में इंसोम्निया देखने को मिल सकता है, यानी उस पेशेंट को नींद नहीं आएगी, शिकायत करेगा कि डॉक्टर साहब सही से नींद नहीं आती है। बॉडी एक देखने को मिल सकता है, यानी पूरे शरीर में पेन की शिकायत करेगा पेशेंट। साथ ही साथ में वीकनेस और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, यानी बॉडी में वीकनेस के साथ साथ में वीकनेस देखने को मिलेगी, और वीकनेस के साथ में एपीएच भी देखने को मिल सकता है। एपीएच क्या है? एंटी पार्टम हेमरेज, और पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं एनीमिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं आपसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। अगर किसी भी फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 9 ग्राम से लेकर के 10.9 ग्राम डेसीलीटर है तो ये माइल्ड कंडीशन है, और अगर ये वैल्यू 7.8 से लेकर के 9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो इसे मॉडरेट कहेंगे। इफ द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर देन कंडीशन इज कंसिडर्ड एज द सीवियर, और अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर है दिस कंडीशन इज कंसिडर्ड ए वेरी सीवियर कंडीशन। आप कहेंगे कि क्या इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है? यस ऑफ कोर्स, इस तरीके की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा इसके प्रिवेंशन के बारे में, किस तरीके से आप इसे प्रिवेंट करेंगे।
इसका मैनेजमेंट किन चीज़ों से किया जा सकता है। तो अगर इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट को जानने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट में आप क्या ध्यान देंगे, मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायरमेंट है हीमोग्लोबिन की, एक नॉर्मल फीमेल को जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 मिलीग्राम से लेकर के 4.8 मिलीग्राम, ध्यान देंगे जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायरमेंट बाय द फीमेल, रिक्वायरमेंट बाय द फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी भी फीमेल को जो रिक्वायरमेंट है उसके शरीर में, लेकिन अगर फीमेल कोई भी 20 से लेकर के 48 मिलीग्राम, ध्यान देंगे 20 से लेकर 48 मिलीग्राम आयरन अगर इनटेक करेगी, यानी डाइटरी रिक्वायरमेंट उसकी इतनी है, डाइट में अगर इतना आयरन होगा 20 से लेकर के 48 मिलीग्राम, तब जाकर के ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यानी 20 से 48 ग्राम आयरन कंज्यूम करेगी तब जाकर के आपका जो है उसको एब्जॉर्प्शन होने वाला है 2 मिलीग्राम से लेकर के 4.8 मिलीग्राम। लेकिन इंडियन वेजिटेरियन डाइट के बारे में बात करें तो हमारी जो वेजिटेरियन डाइट में, उसमें पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फीमेल को 20 से लेकर के 48 मिलीग्राम आयरन मिल सके। मैक्सिमम जो आयरन पाया जाता है, मैक्सिमम आयरन वेजिटेरियन डाइट में जो आपको मिल सकता है पर डे, वो मिलता है 10 से लेकर के 15 मिलीग्राम, यानी 10 से 15 मिलीग्राम एमजी आयरन मिलता है। तो उससे एब्जॉर्प्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू WHO, जो भी फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं, उनको प्रोफाइलेक्टिकली आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है। ध्यान देंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और फोलिक एसिड, यानी फोलिक एसिड और आयरन उनको दिया जाता है प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप अपनी डाइट में क्या-क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप आंवला कंज्यूम करते हैं डाइट में, तो आंवला आपके लिए आयरन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, आंवला कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो आपका फूड है उसमें आयरन रिच फूड आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, इसमें आपकी रेजिन्स हो सकती हैं, इसमें आप रेजिन्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक बीन्स है, लाइक बीन्स ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है जो कि आयरन का सोर्स है। साथ ही साथ में कैरेट ले सकते हैं, पोमेग्रेनेट यानी अनार ले सकते हैं, और साथ में अनराइप बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, चीकू। ये सभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द आयरन। अब आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी डाइट में जैगरी, यानी जैगरी का मतलब गुड़ शामिल करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द आयरन, जैगरी, जैगरी एंड डेट, जैगरी एंड डेट आप शामिल कर सकते हैं, जैगरी एंड डेट शामिल कर सकते हैं डाइट में। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में आयरन को, आयरन रिच इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आयरन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। अब बात करूं मैं इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से अगर ट्रीटमेंट देखेंगे तो आयुर्वेद में आप क्या क्या चीजें दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपका सबसे अच्छा है सुंठी चूर्ण दे सकते हैं, सुंठी चूर्ण, जिसे आप सुंठी चूर्ण दे सकते हैं, सुंठी चूर्ण दे सकते हैं 3 ग्राम, सुंठी चूर्ण 3 ग्राम दे सकते हैं, इसका जो है बीडी डोज में, बीडी डोज का मतलब सुबह शाम इसको 3 सुंठी चूर्ण दे सकते हैं। इसमें आमल की चूर्ण दे सकते हैं आप, आंवला चूर्ण दे सकते हैं, आमल की चूर्ण दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 3 ग्राम BD, यानी 3 ग्राम सुबह शाम देंगे। और इसमें आप दे सकते हैं द्राक्षा, यानी मुनक्का दे सकते हैं यार, इसमें द्राक्षा दे सकते हैं, द्राक्षा जिसे आप आम भाषा में मुनक्का कहते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द्राक्षा फ्रूट दे सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है द्राक्षा की जो मात्रा है वो 4 से 6 ग्राम ले सकते हैं, 4 से 6 ग्राम आप द्राक्षा दे सकते हैं सुबह शाम। और अगर कुछ प्रिपरेशंस के बारे में, कुछ फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करें, तो जिसमें धात्री लौह है, धात्री लौह, ये जितने भी मेडिकेशंस मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट शुड नॉट बी टेकन बाय इटसेल्फ, ये आपको किसी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही इसको कंज्यूम करना है। धात्री लौह 500 mg BD, 500 mg BD इसकी रिक्वायरमेंट है
उसके बाद इसमें पुनर्नवा मंडूर ले सकते हैं, पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड ड्यूरिंग द आयरन डेफिशियंसी ड्यूरिंग द एनीमिया। पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर ले सकते हैं इसमें आप, जिसकी मात्रा क्या है, पुनर्नवादी मंडूर दैट इज ऑल्सो 500 मिलीग्राम BD, 500 मिलीग्राम BD ले सकते हैं इसमें आप। लोहा सब ले सकते हैं, लोहा सब दैट इज ऑल्सो ए आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। लोहा सब 20 से लेकर के 30 ml की मात्रा में BD लेंगे। संभाग जल है ना, संभाग जल आप जानते हैं कि आयुर्वेद के आसव और अरिष्ट हैं, वो जल के साथ में लिए जाते हैं। संभाग जल लेंगे दैट इज ऑल्सो BD रिक्वायरमेंट, यानी सुबह शाम दे सकते हैं इसमें आप। दाढ़ी मादी घृत दे सकते हैं, दाढ़ी मादी घृत, दाढ़ी मादी घृत इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दाढ़ी मादी घृत, दाढ़ी मादी घृत की मात्रा भी आपको क्या करना है, इसकी मात्रा भी आपको लेनी है, दैट इज 6 दाढ़ी मादी घृत की, 6 से 10 जो का है ml BD, ये बात आपको याद रखनी है। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप आयरन और फोलिक एसिड को डायरेक्ट ले सकते हैं। फोलिक एसिड और आयरन, फोलिक एसिड एंड आयरन, फोलिक एसिड एंड फोलिक एसिड एंड आयरन की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है ये टैबलेट फॉर्म में मिलता है आपको, ये इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है, इंजेक्शन फॉर्म में मिलता है, और ये आपको टैबलेट फॉर्म में, ये आपको सीरप फॉर्म में मिल सकता है, मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि आयरन और फोलिक एसिड को ले सकते हैं, विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं फॉर द एनीमिया, और अगर उसका हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 7 ग्राम है, तो इमीडिएटली यू शुड रेफर द पेशेंट फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होने पर आप उस पेशेंट को मेडिकेशन से ट्रीट करना ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए उस पेशेंट को आप इमीडिएटली रेफर करेंगे। साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है बट ऑन मेडिकेशन, अगर आप दवाइयां कर रहे हैं लेकिन देर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, इन दैट कंडीशन यू शुड इमीडिएटली रेफर टू द पेशेंट फॉर द हायर सेंटर, सो दैट ए बेटर मैनेजमेंट कैन बी डन। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया के बारे में दी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।